राम राम दोस्तों, आपको पता है दिल्ली में अभी बहुत बड़ा कांड चल रहा है। जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, आम आदमी पार्टी, वो पार्टी उपवास रखी हुई है। मैटर क्या है समझिए, मोदी के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम लग रहे हैं, बीजेपी के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम लग रहे हैं। तहस नहस जिसको कहा जाता है ना, वो हो रहा है। दरअसल अभी कल ही एक खबर आई कि आज के लिए, आज जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अस्थि से लेकर के हर कोई, वो उपवास रखा है। किस लिए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, अरविंद केजरीवाल तो अब गए हैं जेल में और मामला खराब हुआ है, क्योंकि वही मुख्य थे और सीएम थे, तो ज्यादा डगमगा गया। लेकिन इनका कहना है कि बहुत सारे नेता गए हैं ना जेल में, और बड़े बड़े नेता भी चंद लोग गए हैं आम आदमी पार्टी के जेल में, और अभी भी हैं। हाल ही में ये उपवास रखा गया है, इसको लेकर के इतना है कि आम आदमी पार्टी के एक नेता, सॉरी प्रवक्ता, जैस्मिन शाह बोले हैं कि दुनिया भर में जहां भी आम आदमी के सपोर्टर हैं, दुनिया भर में उपवास रखा जा रहा है। हालांकि अभी मेन स्ट्रीम मीडिया पे दुनिया भर का तो नहीं आया कि दुनिया में कहीं और भी उपवास रखा गया है, लेकिन इनका कहना है कि दुनिया भर में रखा जा रहा है। खैर, एक और बात है, जो अभी संजय सिंह जो हैं, वो निकल के जो आए हुए हैं जेल से कुछ शर्तों पे, वो भी कुछ मोदी को लेकर के बोले हैं, बीजेपी को लेकर के भी बोले हैं। हालांकि उनके बोलने की पूर्णतः आजादी नहीं है, जो कोर्ट ने उनको बेल दी है तो बहुत चीज बोलने के लिए मना किया है, तो इसका मतलब वो निर्दोष नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि बेल पे हैं तो कुछ चीजें बोल सकते हैं, पार्टी का सपोर्ट कर सकते हैं। ये नेता जो संजय सिंह हैं, इन्होंने मोदी के ऊपर ये कहा है कि ये सब बीजेपी वाले जो हैं वो षड्यंत्र खेल रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। और आम आदमी पार्टी के ही खिलाफ क्या, ये 24 में जीतने के लिए, ताकि इलेक्शन जीत जाएं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सबको अरेस्ट करवा रहे हैं, ताकि बीजेपी कैसे भी चाल चल के जीत जाए। और जो बीजेपी ने दावा कर रखा है कि 400 पार या फिर 400 सीट हम जीतने वाले हैं 2024 में, वो वादा कंप्लीट हो पाए, और भी लग रहे हैं बीजेपी पे आरोप। आपको तो पता ही है कि ईवीएम को लेकर के भी लगता है, और नेताओं को भी अरेस्ट इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी जीत पाए। क्या आपको इन बातों में भरोसा है? ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते हैं, भारत का एक एक इंडिविजुअल पर्सन क्या सोचता है, कि क्या वाकई में बीजेपी खेल खेल रही है या फिर इन लोगों में भ्रष्टाचार है, तभी ये एजेंसियां उठा के लेके जा रही हैं। बताइए, और आपका बताना अधिकार भी है। और अगर आपको लगे कि अरविंद केजरीवाल बेकसूर हैं, तो ये भी एक्सप्लेन करिए कि क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि जो एजेंसीज है वो कुछ ना कुछ प्रूफ के साथ तो रहती ही हैं, तभी तो आपको या फिर किसी को उठाती हैं। क्या देश की एजेंसियां कोर्ट से भी बड़ी हो गई हैं? तभी तो उठा पाएंगी ना, अगर देश की एजेंसी कोर्ट से भी बड़ी रहेगी तभी तो उठा लेगी सबको, जिसको मन करेगा उसको, बिना प्रूफ के। क्योंकि सरकार चाहे कुछ भी चाहे, मुजरिम अल्टीमेटली जाना उसको कोर्ट में ही है, और कोर्ट ही को सब कुछ करना है, तो ऐसे हवे में तो नहीं उठा सकती एजेंसियां इतने दिन तक, और कोर्ट भी बेल नहीं दे रहा है। तो आखिर क्या है पूरा माजरा, अगर आपको पता है तो बताइए, बाकी हम आपको तो सब कुछ बता ही रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।